प्रथम तहलका न्यूज। इस वक्त के लिए बड़ी खबर, आपको बता दें कि बड़ौदा में हार के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का ट्वीट सामने आया है। इस ट्वीट में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की कुंठा साफ साफ दिखाई दे रही है। धनखड़ ने भाजपा की हार पर कांग्रेस को तंज कसा है। उनका कहना है कि योगेश्वर की हार अभिमन्यु वध के समान है। और इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने अपनी हार को भी स्वीकार किया है। उनका कहना है कि हम अवसर को चुनौती में नहीं बदल पाए और प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की हार पर धनखड़ ने अफसोस जताया है। और इसके साथ ही बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस को जीतने पर धनखड़ ने बधाई भी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें कि बड़ौदा में हार जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का ट्वीट सामने आया है। और इस ट्वीट में प्रदेश अध्यक्ष की कुंठा साफ साफ देखने को मिली है। आपको बता दें कि ओपी धनखड़ ने भाजपा की हार के बहाने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि योगेश्वर की हार अभिमन्यु वध के समान है। इसके साथ ही इस ट्वीट के जरिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ ने अपने पार्टी की हार को स्वीकार की है। उनका कहना है कि हम अवसर को चुनौती में नहीं बदल पाए और अपने प्रत्याशी योगेश्वर दत्त की हार पर धनखड़ ने अफसोस जताया है। आपको बता दें कि इस ट्वीट के जरिए धनखड़ ने बड़ौदा उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस को बधाई भी दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो बड़ौदा से आ रही है।